हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो हम लोग कर रहे थे लोक नाट्य, तो जिसको हम ड्रामा के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थ मैंने आपको बताया था कि रंगमंच पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए जो भी प्रोग्राम दिखाए जाते हैं उनको हम लोक नाट्य कहते हैं। तो जिसमें हमने तमाशा लोक नाट्य पढ़ा, रम्मत पढ़ा, और इसके अलावा हमने नौटंकी जो है नाट्य वह देखा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं गवरी या राई लोक नाट्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये गवरी या राई लोक नाट्य। सबसे पहली बात कि ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, ठीक है, और भीलों के द्वारा ये लोक नाट्य जो है वो किया जाता है। तो यह मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसी वजह से इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य या मेरुदंड कहा जाता है। तो ये जो लोक नाट्य है ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाता है। भादों की जो कृष्ण एकम है वहां से स्टार्ट होता है और 40 दिन तक चलता है। इसका मतलब राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला लोक नाट्य है गवरी या राई लोक नाट्य, ठीक है। तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना है, सबसे लंबा चलने वाला, लगभग 40 दिन तक चलने वाला ये लोक नाट्य है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। और इस नाट्य का मुख्य जो आधार है वह है शिव और भस्मासुर की कथा। कहानी जो है वो मैंने आपको बता ही दी थी कि भस्मासुर नाम का जो है वो एक राक्षस था, और भगवान शिव जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं उसकी तपस्या से और फिर उसे वरदान दे देते हैं कि वह जो है जिस पर भी हाथ रखेगा, जिसके सर पर, तो वो भस्म हो जाएगा, ठीक है। तो भस्मासुर जो है वह भगवान शिव के ही पीछे पड़ जाता है कि पहले मैं आजमा कर देखता हूँ। तो शिव जी जो हैं वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास मदद के लिए। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं और भस्मासुर के साथ जो है वो नृत्य करते हैं। भस्मासुर जो है खुद ही नृत्य करते करते अपना सर जो है खुद के हाथ पर रख लेता है और वह जलकर भस्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो शिव का रूप बनाने वाला जो होता है उसको पुरिया कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है पांच जो है वो पात्र होते हैं। इसमें कितने पात्र होते हैं नाट्य में? पांच पात्र होते हैं। ध्यान रखें, एक बुढ़िया जो है जो कि इसमें मुख्य पात्र जो है वह होता है, और दूसरा जो होता है राई, और झामटिया, कुड़गड़िया, भोपा, ये सभी होते हैं। और ध्यान दें, गवरी जो लोक नाट्य है इसमें सभी पुरुष होते हैं। रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होकर 40 दिन तक ये चलता है। तो सबसे लंबा चलने वाला ये लोक नाट्य है। झामटिया, खड़कुड़िया जो है इसके हास्य कलाकार हैं। तो जो ये झामटिया होता है ये तो लोक भाषा में क्या करता है, कविता बोलता है, और जो खड़कुड़िया या फिर खटकड़िया भी कहते हैं ये उसको दोहराता है। तो इसका काम जो है जैसे जोकर करता है तो उसी तरीके से ये जोकर का काम भी करता है। तो इसीलिए हास्य कलाकार हैं झामटिया और खड़कुड़िया। गवरी की घाई, अब ये क्या टर्म है? तो देखिए, जब कहानी चल रही होती है, नाटक चल रहा होता है, तो बीच बीच में जो बीच में गैप आ जाता है या टूटने को लगता है वह, तो उसको जोड़ने के लिए, कथानक से जोड़ने के लिए बीच बीच में जो सामूहिक नृत्य किया जाता है जिससे कि वो पूरी जो है लाइनें जुड़ जाएं, वो कहानी जो है वो पूरी एक लगे, तो उसे गवरी की घाई कहा जाता है। बंजारा, बंजारी, बादशाह की सवारी, लाखा बंजारा, खाडल या भूत, कान गुजरी, ये सभी जो है इसमें प्रमुख खेल जो है वो खेले जाते हैं। प्रमुख जो है यहाँ पर कथानक जो है कौन कौन से हैं? बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी, लाखा बंजारा, खांडलिया भूत और कान गुजरी। तो बहुत अच्छे से गवरी, जिसको हम राई नाट्य भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाता है, सबसे प्राचीन है राजस्थान का लोक नाट्य, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है, ये 40 दिन तक चलता है। शिव और भस्मासुर की जो कहानी है उस पर ये आधारित जो है, इसका मूल आधार जो यही है। इसके अलावा इसमें पांच पात्र जो हैं होते हैं, बुढ़िया, राई, झामटिया, कुड़कड़िया और भोपा, ठीक है, सभी पुरुष ही होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद देखिए स्वांग। तो स्वांग जो है वो लोक नाट्य में ये भी एक परंपरा है। इसका अर्थ होता है किसी विशेष ऐतिहासिक
पौराणिक और लोक प्रसिद्ध समाज में जो प्रसिद्ध चरित्र हैं, देवी देवता हैं, उनकी तरह जो है वो मेकअप करना, उनकी तरह वेशभूषा धारण करना। तो स्वांग तो आज भी जो है वो गांव में हमें देखने को मिलता है। इसके जो कलाकार होते हैं वो बहुरूपिया कहलाते हैं। तो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को भीलवाड़ा जिले में नारों का स्वांग जो है वह प्रसिद्ध है। बहुरूपिया कला भी इसी से मिलती जुलती है। तो इसके कलाकार जो है वह बहुरूपिया ही कहलाते हैं। जानकी लाल भांड भीलवाड़ा ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया था। ठीक है, स्वांग जो लोक नाट्य है इसको प्रसिद्ध करने वाले देश में ही नहीं विदेशों तक, जानकी लाल भांड ने इसे लोकप्रिय किया था। और ये कहाँ के थे? भीलवाड़ा के। इनको मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें, एग्जाम में पूछा जाएगा कि मंकी मैन के नाम से लोक नाट्यकार कौन है, तो जानकी लाल भांड। परशुराम जो है वह भी इसके प्रमुख कलाकार हैं। जोधपुर की रावल जाति को धन रूप भांड की कला से खुश होकर जोधपुर महाराजा मान सिंह ने जागीर दी थी। ठीक है, जो रावल जाति है इससे खुश होकर जो है महाराजा मान सिंह ने इनको जागीर जो है वो प्रदान की थी। नेक्स्ट देखें, भवाई लोक नाट्य। तो भवाई लोक नाट्य जो है ये मूलतः गुजरात का लोक नाट्य है और ये मेवाड़ में भवाई जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के जो संघर्ष है उसकी कथा पर आधारित होता है भवाई लोक नाट्य। मुख्यतः गुजरात का है, राजस्थान के गुजरात सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, यानी कि मेवाड़ में जो भवाई जाति है वो इसको करती है। संगीत की अपेक्षा अभिनय और कर्तव्य पर जो है वो अधिक बल दिया जाता है कि यह नाट्य मुख्यतः भवाई जाति के लोग करते हैं। इनकी उत्पत्ति केकड़ी के बाधा जी जाट से मानी जाती है। उसके बाद देखिए, भवाई लोक नाट्य जो है वह व्यवसायिक प्रकृति का लोक नाट्य है। तो हमें ये तो पता है कि जो भवाई जाति के द्वारा ये किया जाता है, भवाई नृत्य में भी हमने देखा था कि भवाई नृत्य जो है वो चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है, यानी बहुत ही खतरनाक जो है वो एक्ट उसमें करके दिखाए जाते हैं, नृत्य करके दिखाया जाता है। तो उसमें ही देखिए, जसमा ओढ़न ये सांता गांधी का लोक नाट्य है और ये एक व्यावसायिक लोक नाट्य है जैसा हमें पता है। तो ये जो नाट्य का एक प्रकार है, इसमें सिर पर अनेक मटके रखकर कांच पर, तलवार पर, थाली पर, गिलास पर जो है नृत्य किया जाता है, ऐसा इसमें जो है वो दिखाया जाता है। भवाई लोक नृत्य की तरह ही भवाई लोक नाट्य में भी, ठीक है, और लगभग 60 से 70 देशों में भी ये अब तक इसके जो कार्यक्रम जो है वह हो चुके हैं। जसमा ओढ़न सांता गांधी का है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बीकाजी और बागजी ये भी प्रमुख भवाई जो है नाट्य हैं। रूप सिंह, तारा शर्मा, सांगी लाल इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसमें पुरुष और महिला पात्र जो है सगो जी और सगी जी कहलाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो भोपा और भोपी होते हैं तो इसमें पुरुष जो है वो सगो जी और महिला जो है वो सगी जी कहलाते हैं। फिर देखें फड़। तो फड़ के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इस तरीके से जो है एक कपड़े का बना होता है और इस पर लोक देवी देवताओं की जीवन कथा जो है वह अंकित होती है, चित्रांकित होती है। ठीक है, और एक व्यक्ति जो भोपे होते हैं वह उसको जो है गीत के रूप में कहकर सुनाता है, और दूसरा जो है इसका रंगमंच पर आयोजन करता है। तो लोक देवी देवताओं की जीवन गाथा को वांचना और मोटे कपड़े पर चित्रों को दिखाना और बताना, तो ये जो है इस तरीके का लोक नाट्य भी प्रचलित है। मुख्यतः भोपा भोपिन द्वारा रावण हत्या जंतर वाद्य यंत्र मुख्यतः भोपा भोपिन द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र जंतर वाद्य यंत्र बजाते हुए ये किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखें, बाबू जी की फड़ जो कि सबसे लोकप्रिय फड़ है रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है जंतर वाद्य यंत्र के साथ वाची जाती है। चाहे आप वाद्य यंत्र का टॉपिक पढ़ें, चाहे आप लोक नाट्य का टॉपिक पढ़ें, तो आपको ये सभी चीजें जो हैं यहाँ पर मिलती हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा, बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और देखिए, 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग द्वारा देव नारायण जयंती पर जो फड़ है इस पर 2x2 का डाक टिकट जो है वो जारी
किया गया था, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा, देवनारायण जी की फड़ जो है वो गुर्जर जाति के भोपे जो है वो गाते हैं जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा, और जो रामदेव जी की फड़ है उसे कामड़ जाति के भोपे वाजते हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र द्वारा, और चौथ मल चितेरे ने ये फड़ बनाई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए चार बैंत। तो यहाँ से जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो मैं देखती हूँ अक्सर एग्जाम में कि चार बैंत के बारे में पूछा जाता है कि ये क्या है, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, क्या है ये। तो पहले तो याद रखें ये लोक नाट्य है, कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब तक तो इसमें एक यही क्वेश्चन आया है। ढपली और ढप वाद्य यंत्र जो है वो इसमें बजाया जाता है टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के समय, अब्दुल करीम खान और करीम खान निहंग ने इसे लोकप्रिय किया था, ठीक है। तो इसे नवाबों की विद्या भी कहते हैं चार बैंत को। इसमें जो पठानी लोगों द्वारा जो है वो ढप वाद्य यंत्र जो है कव्वाली के रूप में ये गाया जाता है, और भारत में जो है इसका प्रारंभ जो है वह उस्ताद अब्दुल करीम खान, और राजस्थान में इसका प्रारंभ जो है वो फैजुल्ला खान ने किया था, ठीक है। इसका केंद्र जो है वो प्रमुख कहाँ है, टोंक में है। नेक्स्ट देखिए रास लीला। तो रास लीला जो कि ब्रज प्रदेश की फेमस है, व्यावसायिक रूप इसने ले लिया है, और ये जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं पर ही आधारित होती है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित बल्लवाचार्य ने इसे प्रारंभ किया था। तो बल्लव संप्रदाय के लोग जो कि भगवान कृष्ण को बहुत मानते हैं, तो भगवान कृष्ण की लीलाएं जो है इस में होती हैं रास लीला में, ठीक है। और भरतपुर क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। शिवलाल कुमावत ने इसे लोकप्रिय किया था, और रामस्वरूप हरगोविंद जी इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा किशोरी दास और गोविंद दामोदर, हरगोविंद, रामस्वरूप वो भी इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं। राजस्थान में फुलेरा जयपुर की रास लीला बहुत प्रसिद्ध है। सबसे पहला रासधारी नाटक लिखने का श्रेय, राजधारी नाटक लिखने का श्रेय मेवाड़ के मोतीलाल जाट को जाता है। उसके बाद देखिए रासलीला के बाद है रामलीला। रामलीला तो आप सभी जानते हैं कि भगवान राम के ऊपर ही पूरा बेस्ड होता है। रामलीला भगवान श्री राम के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। तुलसीदास जी ने इसे प्रारंभ किया था, ठीक है। बिसाऊ झुंझुनू पाटुदा कोटा में और जुरहरा भरतपुर की रामलीला प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए बिसाऊ की जो रामलीला है वो मूक अभिनय पर आधारित है, यानी यहाँ पर कोई भी आवाज जो है वो आपको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। मूक अभिनय जो है यहाँ पर किया जाता है। जैसे हम पुरानी मूवी की बात करें तो वहां पर भी क्या होता था कि चित्र जो है वो आगे जो है वो कर दिए जाते थे, ठीक है। जैसे एक चित्र जो है वह दिखाया गया और उस जैसे ही वो समाप्त हो गया दूसरा चित्र जो है उसमें ऐड कर दिया जाता था। लेकिन जब अब हम देखते हैं कि मूवी जो है जिसमें आवाज भी होती है और चित्र भी साथ में चल रहे होते हैं, तो जो रामलीला है वह हम गांव में भी देखते हैं। तो वहां पर अब यदि बात करें तो इस समय जो रामलीला दिखाई जाती है तो उसमें आवाज और जो अभिनय कर रहे होते हैं वो साथ में ही होते हैं, लेकिन बिसाऊ की रामलीला जो है वो मूक अभिनय पर आधारित है। उसके बाद देखें सनकादिकों की लीलाएं। तो सनकादिकों की लीलाएं जो हैं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध हैं, और इन लीलाओं का जो प्रमुख अखाड़ा है वह है घोसुंडा और बस्सी, ये प्रमुख है, ठीक है। घोसुंडा जो है यहाँ पर तो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप और रास लीला जो है इनका आयोजन जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो है आश्विन माह में नरसिंह अवतार जिसमें वो हिरण्यकश्यप को मार रहे होते हैं, ऐसी झांकियां जो है वह भी देखने को मिलती हैं। वहीं पर बस्सी में जो है कार्तिक माह पूर्णिमा को यहाँ पर ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार इनकी झांकियां जो है वह प्रदर्शित की जाती हैं। तो चलिए अब लोक नाट्य का जो चैप्टर है वो आपका होता है कंप्लीट, और मैं आप लोगों को करवा देती हूँ हर बार की तरह थोड़ा सा रिवाइज। तो हमने आज जो है वो क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा गवरी या राई नाट्य जो कि सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, ठीक है। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है, 40 दिन तक चलता है, तो इस वजह से राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला लोक नाट्य है। भवाई लोक नाट्य आप याद रखिए भवाई नृत्य की तरह है, बहुत ही कठिन होता है। जसमा ओढ़न जो है शांता गांधी का जो कि बहुत फेमस है, ये लोक नाट्य भवाई लोक नाट्य ये याद रखें, ठीक
ठीक है। फिर हमने बात की थी फड़ के बारे में, तो फड़ के बारे में तो कई बार मैंने आपको बता दिया है, बाबू जी की फड़ जो है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भो पे रावण हत्ता वाद्य यंत्र से ही इसको बांसते हैं। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, ठीक है। चार बेंत लोक नाट्य में आप एक नाम याद रखिएगा, टोंक क्षेत्र का प्रसिद्ध है। रासलीला जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं दिखाई जाती हैं, रामलीला जिसमें कि भगवान राम की लीलाएं जो है वो दिखाई जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने सनकादिकों की जो लीलाएं हैं वो देखी, गोसुंडा और बस्सी जहाँ की लोकप्रिय है। तो आज आपका एक चैप्टर जो है लोक नाट्य का ये कंप्लीट होता है, और इसको आप बार बार पढ़िए तभी आपको ये चीज़ें समझ में भी आएगी और याद भी होगी। कोई भी दूसरा तरीका नहीं है याद करने का, राजस्थान का जीके यदि आप याद करते हैं तो इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।